हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जाने रहे हैं कि स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी SARA के बारे में, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लिए ये वीडियो है, जो कि शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि हर किसान को, हर व्यक्ति को जो मध्य प्रदेश के निवासी, उनको 5 डिसमिल का पट्टा दिया जाएगा। ठीक, उनका अपनी ज़मीन होगी 5 डिसमिल का, लेकिन वो कैसे मिलेगा उनको 5 डिसमिल का, ये पूरा टॉपिक इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। तो आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो पे बने रहना है, और उसके लिए आपको सबसे पहले इस चैनल को, सेल्फ मिनाटी चैनल को सब्सक्राइब करना है और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, और इसी चैनल पे आपको डेली नए नए टॉपिक पे वीडियोज मिलती रहेंगी, जिसमें आप आएंगे और देख सकते हैं सारी चीज़ें। हर तरह से यहाँ वीडियो अवेलेबल रहती हैं टेक्निकल से रिलेटेड। आप यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि करना क्या होगा, इसके लिए आपको प्रोसेस क्या है। तो आपको सबसे पहले खोलना होगा अपने गूगल को, चाहे आप मोबाइल में हों या लैपटॉप में हों, जिसमें भी हों, आप उसमें लिखिए SARA। ठीक, SARA.mp.gov.in। ठीक, क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको किसी ऑप्शन पे नहीं, एक ही ऑप्शन आपको यूज करना है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। ठीक, यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, और इसमें जो जो आपको पात्रता दिखाई गई है आप वो पढ़ लीजिए, कि आपके पास आवास न हो रहने के लिए, 5 एकड़ से कम भूमि हो। ठीक है, और सदस्य सरकारी सेवा में न हो, आयकरदाता ना हो, नहीं है, PDS दुकान से राशन प्राप्त होता हो, और भूखंड में मतदाता पर्ची में नाम दर्ज है। ठीक, ये 3-4 चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। ठीक, प्रक्रिया क्या करना पड़ेगा, SARA पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है, जो हम करवा रहे हैं आपको। सचिव या पटवारी को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाएगा। ठीक, आवेदन जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, परीक्षण पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी, ग्राम पंचायत से आपत्तियाँ लगाई जाएंगी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप जो जानकारी दे रहे हैं सही है, तहसीलदार सूचना विनिर्देश करेगा, और तहसीलदार ही अनुमोदन करेगा कि वो आपको 5 डिसमिल का पट्टा दे दे। तो यहाँ से आपको आवेदन, अगर आपने पहले से आवेदन किया है तो आवेदन सर्च या प्रिंट पे जाके आवेदन सर्च कर सकते हैं, नहीं किया है तो आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको पूरी प्रक्रिया समझाएंगे, आपको करना क्या है, भरना क्या है, पूरी जानकारी आप वीडियो अंत तक देखते रहें। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप जिला चूज कर लीजिए, जो भी है आपका, ये सीधी है हमारा, तो हमने चूज कर लिया तहसील रामपुर नैकिन हो गई। ठीक, और हल्का जो है आपका, जो भी है आप अपने हिसाब से। ठीक, तो ये खड्डी खुर्द, आप जैसे हम अपने गांव का नाम चुनते हैं जो हल्का है, और फिर ये खड्डी खुर्द, ये आपने इतना कर लिया। इसके आगे आपको आधार नंबर आपको डालना है, जो आपके आधार कार्ड में हो। ठीक, ठीक, आप आधार कार्ड जैसे ही डालते हैं, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आधार कार्ड के बाद आपको जो है तो समग्र आईडी की ज़रूरत पड़ती है। आईडी का मतलब ये होता है कि आपके पास पर्ची यानी टोकन जिसे गल्ला मिलता है वो हो तो भी चलेगा, और वो नहीं है, आपके पास सिर्फ आईडी बस है, यानी आप गल्ला वगैरह नहीं पाते हैं, फिर भी आप ये वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन परिवार आईडी नहीं चाहिए, ये सिर्फ आपकी सेल्फ आईडी चाहिए, जो कि इस तरह से होगी। ये देखिए, जैसे हमने डाला और यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर सारी जानकारी हमारी आ जाती है। ठीक, जैसे नाम आ गया, आवेदक की जन्म दिनांक आ गई, ठीक, आवेदक के पिता या पति पत्नी का नाम आ गया, तो यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए, या पति हैं आप तो उनका नाम डाल दीजिए। ठीक, और फिर आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, मेल हैं फीमेल, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक, हमने डाल दिया, अब आप पति पत्नी जीवित हैं या नहीं वो डाल दीजिए, इधर की आपको जानकारी फिल करना है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, जानकारी है तो फिल कर दीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, सीधे यहाँ पे आ जाइए, विच्छेद हुआ है अथवा नहीं तो नो, लाभान्वित लक्ष्मी या लाडली लक्ष्मी का योजना आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए, है तो उसकी डिटेल्स डाल दीजिए। और ये जो जो हमारे पास जानकारी है वो सब करके सबमिट कर दीजिए, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और यहाँ से आप OTP प्राप्त कर सकते हैं, और आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से इंटरफेस होने लगे। EKYC अभी लंबित रहेगा, जो कि पटवारी के द्वारा होगा, और यहाँ से आप प्रिंट करके प्रिंट आउट रख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर वीडियो में आपका प्रेम बना रहे, धन्यवाद।